तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीटीपी डिजिटल एजुकेशन। जी हाँ, और रिजल्ट का अपडेट आप सभी लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भाई रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इवन सेमेस्टर के तैयारियां भी कहीं ना कहीं क्या क्लासेस शुरू हो चुके हैं और क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे पढ़ाई करना भी शुरू कर दिए। तो आज के इस वीडियो में भाई हम जानेंगे कि आखिर कब तक आठ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसका इंतजार है कि भाई जल्दी से रिजल्ट आए और वो अपना जो अभी जो तैयारी है और इवन सेमेस्टर का वो थोड़ा कम फोकस्ड होके कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे अब आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। आपका ये फाइनल एग्जाम होगा, इसके बाद बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, जो फाइनल सेमेस्टर में पहुंचेंगे, फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, उसके बाद उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे भाई कैंपस सिलेक्शन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज टेंशन रहता भाई कि रिजल्ट आ जाता तो सही था, पता नहीं मेरा बैक आएगा या कितने में बैक लग जाएगा, कहीं ये हो गया तो ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे कैंपस सिलेक्शन के लिए कि क्या होता है और कौन कौन सी कंपनी आ रही है और कहाँ कहाँ पे किस किस कॉलेज में आती है कंपनियां, तो उस पर हमारा अगला वीडियो पूरा बढ़िया विस्तृत तरीके से होगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट, ये फरवरी में एग्जाम शुरू हुआ लास्ट, ठीक है, और फरवरी में एग्जाम चला और 6 मार्च तक जो है इसका, 6 मार्च 2023 तक तो प्रैक्टिकल के नंबर फीड किए जा रहे थे, सेशनल गेम्स वगैरह के नंबर फिट किए जा रहे थे। उसके बाद भी कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए थे, तो उन बच्चों के भी प्रैक्टिकल एग्जाम उसके बाद में हुए। फिर अब ये एग्जाम के नंबर जब अपडेट किए गए, मतलब 6 मार्च तक यहाँ पे डेट दिया था भाई अपडेट कर दीजिए अपना नंबर वंबर गेम्स वगैरह का, क्योंकि अब नंबर अपडेट करने के बाद रिजल्ट भी जल्दी जारी करने का प्रेशर ये छात्रों के दिमाग में ही नहीं है कि हाँ भाई जारी हो जाए, बोर्ड के ऊपर भी रहता है कहीं ना कहीं, तो वो चीज है। अब बोर्ड इसकी तैयारी, जब रिजल्ट बनाने की तैयारी करेगा तो कम से कम तो ये मान के चलिए 20 से 25 दिन लगता है अमूमन, अगर क्लियरली सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करना है तो उसमें टाइम लगता है। तो ये जो रिजल्ट आने के चांसेस है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, ये अप्रैल के सेकेंड वीक में आने के बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें, और इन केस यहां पे आपको एक चीज और भी देखने को मिल सकता है कि ये रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक में भी दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड ने थोड़ा सा तेजी की, क्योंकि यहां पे आगे जो बच्चे हैं अब फाइनल ईयर के, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनके लिए बता दे फाइनल ईयर के बच्चों को कि भाई उनके अपने वो सीनियर से या अपने जो है आपके एचओडी होंगे उनसे जरूर संपर्क बना के रखें कि कौन सी कंपनी आने वाली है, और क्योंकि जो कॉलेज सेंटर में होंगे, ठीक है, वहां पे तो बहुत सारी कंपनी आती है, दूरदराज जो कॉलेज होते हैं थोड़ा इधर उधर आउटसाइड में, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कंपनियां आती हैं, या वहां के बच्चों को दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है कि भाई जब कैंपस होने लगे, क्योंकि ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जॉब के लिए, ठीक है, तो इसको जाने मत दीजिएगा। अपने एचओडी से आप मिलके एचओडी से पूछ लीजिए, या कोई सीनियर बच्चा हो पहले से तो उनसे जरूर संपर्क बना के रखें कि भाई कौन सी कंपनी आती है आपके कॉलेज में और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती है, अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग टॉपिक पूछते हैं भाई, सब कुछ जीके वगैरह पूछेंगे, कुछ आपका बेसिक नॉलेज पूछेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ये संपर्क करके ले, क्योंकि आपका जब ये यहाँ पे कैंपस के लिए कंपनियां आनी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला होगा उसके बाद से कंपनियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपका अच्छा खासा पैकेज पे कैंपस सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कैंपस सिलेक्शन के लिए क्या क्या तैयारी करनी, कैसी तैयारी करनी है, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर सारी चीजें शेयर की जाएंगी कैंपस से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट था, तो अप्रैल में आपको फर्स्ट वीक के लास्ट डेज में या फिर सेकेंड वीक में आपको कंफर्म रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा, मिल जाएगा। तो तब तक आपको वेट करना इन द सेंस ये नहीं कि आप बैठ के ऐसे सर पे हाथ रख के इंतजार करिए, नो, क्योंकि उसके बाद अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। देखिए आपका मार्च चला जा रहा है पूरा अप्रैल, ऐसे रिजल्ट को याद करते करते अच्छा आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, अब लगातार डेट आएंगी
कि इस डेट पे जारी होगा, उस डेट पे तमाम ऐसे जानकारी आपको मिलेंगी, तो उसमें दिमाग कहीं ना कहीं भाई घूमता ही है, किसी का भी हो, किसी बच्चे का। हम लोगों के टाइम पे भी रिजल्ट का जब वेट होता था तो काफी पहले से ही आज रिजल्ट आ रहा, तो पूरा दिमाग सोच सोच के बस वही उसी में घूमता रहता है। तो उस चीज को दूर करना है आपको, अपना जो है इवन सेमेस्टर की आपको पूरा क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट कर देनी है, इवन सेमेस्टर का आपको पढ़ाई शुरू कर देना है, क्योंकि आपके पास एक महीने का वही अप्रैल समय रह जाता है, मई के में फिर एग्जाम्स की वही तैयारी वगैरह होने लगती है, तो एक महीना कुल मिलता है, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दे। और सेमेस्टर की 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं भैया, तो बढ़िया से मेहनत से पढ़िए। आपको इसमें देखिए बेसिक भी कवर करना होगा, क्योंकि अभी बताया ना कंपनी वगैरह आएंगी अगर, या जॉब के लिए आप जाएंगे तो वहां पे बेसिक भी पूछेंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें तैयारी करें। बाकी कैंपस से रिलेटेड अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, बाय बाय।